हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी फ्रेंड प्रीति और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हेल्दी और टेस्टी हमारी जो गुड़ मूंगफली की गज्जक हैं बनकर तैयार है। सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में स्पेशली ये खाई जाती है और ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची जो है हमारी गज्जक बनकर तैयार हुई है। देखिए कितनी क्रिस्पी हमारी गज्जक बनी है, आवाज़ सुनी है आपने। देख लेते हैं इनको कैसे बनाना है। सुपर हेल्दी टेस्टी गुड़ और मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ली है 1 कटोरी मूंगफली। आप माप के लिए 1 कटोरी, कप, ग्लास कोई भी चीज ले सकते हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें, जितनी हम मूंगफली लेंगे उतना ही हम लेंगे गुड़, और मैंने ये 1 कटोरी ही गुड़ लिया है। और एक सबसे जरूरी बात ध्यान देने वाले, गुड़ को हम या तो किसी कपड़े में करके इसको तोड़ लें किसी हैवी चीज से, या फिर आप गुड़ को ग्रेट करके लें। कढ़ाई हमने यहाँ पे ले ली है और गैस पे चढ़ा दी है। हमारी जो मूंगफलियाँ हैं इनको हम कच्ची यूज नहीं करेंगे, इन्हें हम करेंगे ड्राई रोस्ट। हमारी कढ़ाई भी गर्म हो गई, इसमें हम अपनी मूंगफलियाँ डालकर इन्हें 5 मिनट तक ड्राई रोस्ट करेंगे। पहले हम इसे करेंगे मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट, 2 मिनट तक ड्राई रोस्ट मीडियम फ्लेम पर करने के बाद उसके बाद हम अपना जो फ्लेम है मीडियम लो कर लेंगे। हमारी जो मूंगफली हैं गर्म हो गई हैं, अब हम यहाँ पे अपने फ्लेम को कर देंगे लो मीडियम और इसे 3 से 4 मिनट तक हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। एक बात यहाँ पे आप ध्यान दें, ना हमें इसमें तेल का यूज करना है इसको रोस्ट करने के लिए और ना ही घी का, बस हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है। मूंगफली को आप अच्छे से चारों तरफ से चलाते हुए भूनें, इससे होगा क्या, हमारी जो मूंगफली है चारों तरफ से अच्छे से सिकेंगी, कहीं से भी कच्ची नहीं रहेंगी। समान रूप से चलाते हुए इसको हम भूनेंगे। हमें मूंगफली को रोस्ट करते हुए 3 मिनट हो गई हैं और ये देखिए हमारी जो मूंगफलियां हैं इनके जो छिलके हैं इनमें क्रैक्स भी आ गया है। और अभी हम इसे और थोड़ा भूनेंगे, ये जितनी अच्छी क्रंची हो भून के तैयार होंगी उतनी जो हमारी चिक्की हैं बनकर अच्छी तैयार होंगी। तो हम इसे अभी 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर और रोस्ट कर लेंगे। हमारी जो मूंगफलियाँ अच्छे से भून गई है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना फ्लेम कर देंगे बंद। अपनी मूंगफलियों को निकाल लेंगे हम इस कपड़े पे, कपड़ा मैंने बिछा लिया है, इसको 2 से 3 मिनट तक हम ठंडा होने देंगे, फैला देंगे इसको इस तरीके से। हमारी मूंगफली ठंडी हो गई है, अब हम इस तरीके से इसे कपड़े में कर लेंगे। इस तरीके से ये सब मूंगफली को छीलने का और इस तरीके से रगड़ के इसको छील लेंगे। इसका छिलका बहुत ही आसानी से उतर जाता है, आप चाहे तो किसी थाली में करके भी हाथ से रब करके भी निकाल लें। इसको अब हम चेक कर लेते हैं, हमारी जो मूंगफलियां हैं ये देखिए सारी मूंगफलियों का जो छिलका है उतर गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक थाली में, ये मैं थाली में इसको निकाल ले रही हूँ। अब हम इसको फटक के इसका छिलका निकाल लेंगे, इस तरीके से फटकेंगे और छिलका अलग निकाल देंगे। हमने अपनी जो मूंगफलियां हैं छिलका हटाकर इसमें निकाल ली हैं। अब हम लेंगे एक कटोरी, ये क्या है अभी साबुत है, ये अच्छे से टूटी नहीं है, तो हमें इसे बीच में से दो करना है। 1 कटोरी लेंगे और इस तरीके से दबाकर इसे बीच में से दो कर लेंगे। ज्यादा प्रेशर से नहीं दबाएंगे, ये आसानी से दबाने से ही बीच में से इनके 2 पार्ट हो जाते हैं। ये देखिए हमने अपनी मूंगफलियों को अच्छा सा क्रश कर लिया है और एक मूंगफली के 2-2 भाग हो गए हैं। अब हम गैस पे चढ़ा देंगे कढ़ाई। हमने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है, फ्लेम हमने रखा है लो मीडियम। अब हम इसमें डाल देंगे अपना क्रैश किया हुआ गुड़, इसमें हम सारा डाल देंगे। क्रैश करा था हमने गुड़, इससे क्या होगा, हमारा जो गुड़ है बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं होगा और जलेगा भी नहीं। इसको हम लो मीडियम फ्लेम पे ही इसको हम ऐसे इसको पका लेंगे और ये इससे होगा क्या, हम ये जल्दी मेल्ट भी हो जाएगा। क्रैश करने से जैसे मैंने बताया था गुड़ जलेगा नहीं आपका बिल्कुल भी और कड़वाहट नहीं आएगी। और अगर हम हाई फ्लेम पे इसको हम बनाएंगे तो हमारा गुड़ चाहे वो जल भी जाएगा, अगर इसमें मोटी कुठलियाँ रहती तो क्या होता है, हमारा जो गुड़ है देर में पकता और वो जल भी जाता है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें पानी। 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें पानी, 1 चम्मच ही डालें, उससे ज़्यादा ना डालें। और इसको चलाते हुए कंटिन्यू मेल्ट कर लेंगे गुड़ को, बीच में इसको गुड़ को थोड़ा थोड़ा चलाते हुए पिघला लेंगे। चिक्की बनाना बहुत ही आसान है और बहुत आसानी से भी ये बन जाती है, पर हमें थोड़ा सा इसे बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि हमें गुड़ को कितना पकाना है और किस कंसिस्टेंसी का इसे हमें रखना है।
मूंगफली की चिक्की कई बार क्या होता है, शिकायत होती है कि हमारी जो मूंगफली की चिक्की है दांत में चिपक रही है और थोड़ी रबड़ी जैसी लग रही है या बनने के बाद बहुत मुलायम पड़ जाती हैं। लेकिन अगर आप इस ट्रिक को से बनाएंगे ना तो आपकी जो मूंगफली है बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी जो आपकी मूंगफली की चिक्की है। हमारा जो गुड़ है देखिए कितनी जल्दी मेल्ट हो गया है। अब इसमें एक अच्छी सी साइन आए उसके लिए हम डालेंगे इसमें एक चम्मच घी, एक चम्मच देसी घी डाल रही हूँ, छोटी चम्मच है, बड़ी वाली चम्मच नहीं है। इसको डाल के हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा घी नहीं डालेंगे इसमें, बस एक ही चम्मच डालेंगे जिससे क्या है हमारी चिक्की जो शाइनी बने, जैसी बाजार में मिलती है ना थोड़ी शाइनी वाली उस तरीके की। चलाते रहेंगे इसको कंटिन्यू, अगर नहीं चलाएंगे तो क्या होता है ये फ्लेम में ये कढ़ाई में नीचे लग जाता है और हमारी जो गुड़ और मूंगफली की चिक्कियाँ हैं उसमें जली जली स्मेल आने लगती है। इसको लो मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते रहेंगे जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए। इसको कंटिन्यू चलाएंगे जरूर, नहीं तो ये लग ही जाता है कढ़ाई के तले में। 2 से 3 मिनट बाद देखिए गुड़ आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, कितना फूला फूला और इस पे देखिए झाग आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, एक कटोरी में लेंगे हम थोड़ा सा पानी, ये देखिए मैंने कटोरी में ले लिया है। अब इसमें से हम थोड़ा सा गुड़ इस पानी में डाल के चेक करेंगे, पानी ठंडा या नॉर्मल आप कैसा भी ले सकते हैं। थोड़ी देर इसमें ऐसे ही इसको छोड़ देंगे और इसको कंटिन्यू अपना लो मीडियम पे चलाते रहेंगे गुड़ को। ये देखिए थोड़ी देर बाद जो हमने इसमें गुड़ डाला था ना इसको हम चेक करेंगे इस तरीके से। इसको इकट्ठा कीजिए और इसे हम निकाल लेंगे पानी के बाहर और इसे हम देखेंगे। ये देखिए हमारा जो गुड़ है इस तरीके से खींच रहा है, ये इसका क्या मतलब है, ये देखिए इसका मतलब है कि जो हमारा गुड़ है अभी चिक्की के लिए तैयार नहीं है। इसको हम 1 से 2.5 मिनट अभी और अभी हम पकाएंगे फिर हम चेक करेंगे अपना गुड़। जब तक हमारा गुड़ पक रहा है हम लेंगे एक फॉइल पेपर और इसे घी लगाकर ग्रीस कर लेंगे। देखिए मैंने फॉइल पेपर ले लिया है, इस पे घी लगाकर मैं इसे ग्रीस कर लूंगी। आप चाहे इसे किचन सरफेस पे या फिर थाली में भी आप इसे जमा सकते हैं। इसे घी लगा लेंगे अच्छे से, ग्रीस हमने कर लिया है। अब हम अपना गुड़ चेक करेंगे फिर से। वो कटोरी वाला पानी लेंगे और इसमें कुछ बूंदे अपने गुड़ की डाल लेंगे। ये देखिए डाल दिया है मैंने, कुछ देर के लिए इसे हम साइड रख देंगे। यहाँ पे एक जरूरी बात, अगर जो हमारा गुड़ है कम पकेगा तो हमारी जो चिक्की है दांतों में चिपकेगी, और अगर हमने गुड़ को बहुत ज़्यादा पका दिया तो अपनी जो गुड़ की चाशनी है इसको फिर से चेक करेंगे। पानी में डाल देंगे कुछ बूंदे, इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद फिर हम चेक करेंगे। यहाँ पे एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात, अगर हमारा जो गुड़ है कम पकेगा तो जो हमारी गजक है वो बनेंगी दांतों में चिपकेंगी। अगर ये ओवर कुक हो जाएगा तो इसमें कड़वाहट आएगी और जली जली स्मेल हमें आएगी, तो इसे हम बिल्कुल सही पकाना है हमें इसको चलाते हुए कंटिन्यू। अब हम अपना गुड़ ये चेक करेंगे, इसको इकट्ठा कर लेंगे इस तरीके से और इसे तोड़ के देखेंगे। अगर ये टॉफी के जैसे टूटेगा तो इसका मतलब है हमारा जो गुड़ है, ये देखिए अभी तो हमारा गुड़ खींच रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा गुड़ तैयार नहीं है, हमें और पकाना इसको अभी पड़ेगा। चलाते रहेंगे कंटिन्यू। एक बार फिर से हम अपने गुड़ की कुछ बूंदे लेंगे और चेक करेंगे, इसको ठंडा होने देंगे, गुड़ को फिर भी चलाते रहेंगे कंटिन्यू। अब जो हमारी गुड़ की बूंदे हैं इनको एक साथ इकट्ठा कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए इसे हम तोड़ेंगे तो ये देखिए जो हमारा गुड़ है बिल्कुल टॉफी के जैसे टूट रहा है। ये देखिए आपको आवाज आ रही है, ये देखिए जैसे टॉफी होती है ना उस तरीके से टूट रहा है। ये देखिए बिल्कुल अभी ये हमारा तो गुड़ तैयार है। मैं इसको आपको अपने फ्लेम पे गिरा के दिखाती हूँ, इसमें से एक आवाज आएगी। ये देखिए हमारा गुड़ एकदम तैयार है। अब हम इस स्टेज पे क्या करेंगे, इसमें मैंने 2 पिंच लिया है बेकिंग सोडा, इसको डाल देंगे और इसको मिला देंगे जल्दी से। और इसमें अब हम अपनी मूंगफलियां डाल के मिक्स कर लेंगे। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच है तिल, सफेद तिल, फ्लेम बंद कर देंगे। और इसमें मैं फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ इलायची पाउडर, मिला लेंगे सब चीजों को। हमने फ्लेम बंद कर दिया है, इसमें जो हमने बेकिंग सोडा डाला है उससे जो हमारी गजक है ना बहुत ही करारी और क्रिस्पी बनती है और ज्यादा दिन तक क्रंची बनी रहती है, तो हमने इसको मिक्स कर लिया है। ये देखिए
अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। इसमें देखिए शाइनिंग देखिए बहुत ही अच्छी आई है। अब हमने जो अपना फॉइल पेपर तैयार करके रखा था उस पर हम इसको निकाल लेंगे। इस स्टेप को जल्दी करें क्योंकि जो चिक्कियां हैं ना बहुत जल्दी जम जाती हैं। हमने अपना जो गुड़ है और मूंगफली है निकाल ली है इस पर। इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे नहीं तो एक जगह फिर सेट हो जाता है। पहले हम इसको स्पैटुला की हेल्प से फैला लेंगे, अच्छे से चारों तरफ इसको सेट कर लेंगे, जैसे बर्फी जमाते हैं ना उस तरीके से इसको हम इस पर फैला देंगे। मैंने हाथ पे घी लगा के अपना हाथ ग्रीस कर लिया है और इसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि जो हमारे हाथ पे चिपके ना और हाथ से अच्छे से सेट भी हो जाता है। फिर हम एक बेलन लेंगे, आपको जितनी पतली मोटी रखनी है वैसी कर लें, इसको हम बेल लेंगे। अब मैंने इसको बेलन से सेट कर लिया है बेल के, मुझे थोड़ी मोटी चाहिए और इसको फिर हम घी हाथ से थोड़ा सेट कर लेंगे इस तरीके से, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, गरम गरम पर भी हम कट के निशान लगा लेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद ये बहुत हार्ड हो जाती है साइड के जो है, इसको हम इसको थोड़ा साइड कर देंगे। और आप पीस अपने पसंद के हिसाब से छोटे बड़े कैसे भी काट सकते हैं। मैंने सारी जो हमारी चिक्की है इस पे निशान लगा दिए हैं चक्कू से और अब हम इसे एक घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और एक घंटे बाद हम अपनी जो चिक्की है चेक करेंगे। मैं इसको किचन सरफेस पे ही ऐसे ही छोड़ दूंगी। हमारी गज्जक सेट हो गई हैं, 1.5 घंटा हो गया था इन्हें, ये देखिए मैं इनको अलग अलग कर ले रही हूँ और ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी क्रंची हमारी गज्जक बनकर तैयार हुई है। मार्केट से भी अच्छी, इन्हें आप घर में बनाकर जरूर ट्राई करें। और घर पे बनी हुई जो है एकदम अपन बिना मिलावट वाली और एकदम हाइजीनिक है, घर में बनाएं और एंजॉय करें इस ठंडी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।